नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। बताएंगे आपको कि मौसम विभाग की तरफ से किन किन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, कहां कहां ज्यादा बारिश हो सकती है, तमाम जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही किन किन जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है उसके बारे में भी बताएंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिए। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। इसके प्रभाव से मंगलवार को पटना से लेकर के राज्य के अधिकतर हिस्सों में गरज बरस देखने को मिला है। कहीं कहीं छिटपुट बारिश भी हुई है और मौसम विभाग ने यह संभावना जताया है कि 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है, जिसमें पश्चिम चंपारण में बहुत भारी बारिश की आशंका है। वहीं गोपालगंज, सिवान, पूर्वी चंपारण, कटिहार और भागलपुर में भी भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने पश्चिम चंपारण में भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। बता दें कि गोपालगंज, सिवान, पूर्वी चंपारण, कटिहार और भागलपुर जिले के एक दो जगहों पर भारी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून भले ही जुलाई में कमजोर हो रहा हो, लेकिन अगस्त में यह पूरी तरीके से मेहरबान है। 1 अगस्त से ही राज्य के सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की जा रही है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि अगले 5 दिनों के दौरान बिहार के तापमान में विशेष गिरावट की संभावना नहीं है। बीते 24 घंटे के दौरान पटना समेत अन्य जिलों में झमाझम बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति भी बन रही है। राजधानी में 76.2 मिलीमीटर और सिवान के रघुनाथपुर में भी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का ये भी दावा है कि इस परिस्थिति में अगले 48 घंटे के दौरान गतिविधि में कमी के कारण बादल का बनना भी कम हो जाएगा। बता दें कि अच्छी बारिश के अभाव में उमस की स्थिति बढ़ेगी और दिन का तापमान भी बढ़ने लगेगा, ऐसा मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया है। कई ऐसी जगह हैं जहां पर उमस जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। मौसम की यह स्थिति खासतौर पर दोपहर और शाम के समय में ज़्यादा आपकी बेचैनी बढ़ा देगी, क्योंकि इस वक्त में ज़्यादा गर्मी और उमस बढ़ जाती है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और ऐसे में स्थानीय कारणों के चलते दक्षिण बिहार के वनस्पत तराई इलाके क्षेत्र में कुछ जगहों पर वर्षा होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तो फिलहाल मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा। कई जगहों पर बारिश ज़्यादा होगी तो कई जगहों पर अभी भी उमस और गर्मी की स्थिति बनी रहेगी, और ये स्थिति खास तौर पर शाम और दोपहर के वक्त में आपको ज़्यादा महसूस होगी। और इस वक्त ज़्यादा उमस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद उमस जैसी गर्मी होने लगती है, जिससे काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो ऐसे में आप लोग सावधान हो जाइए। और ये भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति बढ़ेगी, जिससे बाढ़ की स्थिति भी बन रही है। तो हमने आपको तमाम जानकारी दे दिया कि किन किन जिलों में आने वाले वक्त में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और भी सिंह हम लोग ले आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।